की बवाना सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। बवाना सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र ने 2452 वोटों से जीत दर्ज की है। बवाना में 25 राउंड की गिनती के बाद आप को 56,178, बीजेपी को 3,346 और कांग्रेस को 29,459 वोट मिले। आपको बता दें कि ये सीट आप विधायक द्वारा इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद इसे आम आदमी पार्टी के लिए जनमत परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा था। इस सीट पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटेगा, वहीं बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस हार की जिम्मेदारी ली है। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को सलाह दी कि अब ईवीएम पर दोष मढ़ना छोड़ दें। साथ ही उन्होंने कहा कि हार के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।